पूर्णिया जिला परिषद में इन दिनों अविश्वास प्रस्ताव का खेल चल रहा है। एक दिन पहले जिला परिषद के 34 सदस्यों में से 9 सदस्यों ने आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया था। उसके अगले दिन फिर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 7 की पार्षद रानी कुमारी के नेतृत्व में 13 पार्षदों ने डीएम, डीडीसी और जिला परिषद अध्यक्ष को आवेदन देकर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का अनुरोध किया। उधर पार्षद रानी कुमारी, रईसुल आजम और जुबैर आलम का कहना है कि उन लोगों का पहले से ही निर्धारित था कि 6 जनवरी को वे लोग अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन देंगे, लेकिन जिला परिषद अध्यक्ष के नजदीकी पार्षदों ने ही एक दिन पहले अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन दे दिया ताकि वो इन लोगों को चकमा दे सकें और बहुमत साबित कर एक बार फिर सत्ता हासिल कर सकें। आइए जानते हैं इस अजब खेल का गजब स्टोरी। हमारे साथ मेंबर अभी जो है पर हम लोग हस्ताक्षर 13 लोगों का करा के वहाँ कार्यालय में जमा कराया है और हमारा मांग अब कुछ नहीं रहा क्योंकि 2 साल में मांगते मांगते हम लोग थक चुके हैं। तो अगर देना होता काम तो वो दे चुकी होती। जिस गति से, जिस धीमी गति से काम चल रहा है ये सभी लोग जानते हैं और सभी लोग परेशान हैं। तो हम लोग सब एकजुट होके इस विश्वास प्रस्ताव पे साइन करके हम लोग निर्णय लिए कि लगाया जाए, क्योंकि 2 साल में जनता हमें जो जिता के भेजी, हमने बहुत वादे किए, बहुत सारी परेशानियां सुनी उनकी और इतना सब कुछ सुनने के बाद, देखने के बाद अगर मैं वो काम नहीं करूँ तो मैं जिला परिषद फिर शायद ये मजाक की है, क्योंकि जनता फिर हमसे सवाल करती है और हम अगर अध्यक्ष महोदय से सवाल करें तो उनके पास जवाब नहीं होता है। तो ये बहुत निराशाजनक बात है और हमारा जो जिला परिषद का बहुमूल्य जमीन है जो कि अतिक्रमक है, वो प्रस्ताव में लेने के बावजूद उसका कुछ भी अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा जो जिला परिषद का बहुमूल्य जमीन है लुप्त होते जा रहा है। तो ये सबको बचाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, सबको एक बराबर काम देने के लिए, ताकि सभी जिला परिषद सर उठा के अपने क्षेत्र में जाके एक काम करे, बात करे और जो है सम्मानपूर्वक जो भी बातें हैं वो हो। आपने अविश्वास प्रस्ताव लगाया है तो क्या आप कैंडिडेट बनना है क्या आपको? सबके सहमति से जो होगा वो मुझे स्वीकार है। अच्छा, कल भी कुछ लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आवेदन दिया था, क्या लग रहा है वो कैसा है और ये आप लोग फिर से दे रहे हैं? कल जो जिन लोगों ने पता लगाया है तो वो 9 लोगों के साथ लगाया है और मुझे जहाँ तक पता है कि 1/4 लगा सकते हैं हम लोग, 12 लोग का होना ज़रूरी है। हमने 13 लोगों का हस्ताक्षर करके दिया है तो मैं उसके बारे में तो कहना नहीं चाहती, पर मुझे अपने आप पे विश्वास है कि जो हमने हस्ताक्षर करके जमा किया है वो बिल्कुल सही है। और उसका मजाक उड़ाया गया था, जो सत्ताधारी के लोग हैं उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का मजाक उड़ाया था। आज उसका जवाब हम लोगों ने, जो हम लोगों का पहले से प्लानिंग था कि आज के तिथि को हम लोगों को जाना था, जो नियमावली है उसके अनुरूप और हम लोग गए और अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी हमने सभी जगह दे दिया है। मैं अध्यक्ष मोहिया के माध्यम से प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी और कार्यपालक पदाधिकारी। क्या मांग है हमारी? मांग हमारी मांग है कि जो नियमावली कहता है 14 दिनों के अंदर वो आप एक आवश्यक बैठक बुलावे, अर्जेंट मीटिंग बुलावे और उसमें अपना बहुमत सिद्ध करे, क्योंकि हमने तो अविश्वास लगा दिया कि 2 वर्षों में आपका कार्यकाल इतना अच्छा रहा कि हमको विश्वास लगाना पड़ा आप पर। यही हमारी मजबूरी है कि 2 साल अब हम जनता को क्या जवाब देंगे। हम लोग थक चुके हैं कि जनता ने जिस उम्मीद से हमको जिता के यहाँ भेजने का काम किया था और उसका जवाब देने के पास हमारे पास कोई नहीं है। इसका एक ही रास्ता मिला, इसको हटाओ, जो बचे हुए दिन मिलेंगे। और मैं अध्यक्ष पद के लिए रानी कुमारी का नाम इसलिए प्रस्तावित करता हूँ कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको जैसे ही बैठेगी चेयर पर उस दिन ये 3400 पार्षद को एक साथ लेकर और एक समान काम किया जाएगा और क्षेत्र विकास के अंदर चलेगी, ये मेरा पूरा दावा। वो तो वह सही नहीं लगा और न लग रहा है, क्योंकि लगाना तो हम विपक्षी को था। हम लोगों का टाइम टेबल आज 5 तारीख का छः तारीख था पूर्व से ही 6 तारीख विधिवत तरीके से जो नियमावली अनुकूल है उसके तहत, लेकिन पता चला, हंसी आया कि 9 आदमी से वही लोग अपने आदमी से जो है 9 आदमी का दस्तखत करा के कल लगा दिया। ये बात समझ में मुझे नहीं आया। ये किनके आदमी है? वो वाहिदा सर्वर के।
आखिर क्यों अपने ही खिलाफ क्यों अविश्वास प्रस्ताव लगवाएंगे? चकमा देने के लिए कि जो है हम फिर अपने आदमी से अपने आउट हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम अस्थायी जगह रह जाएंगे, यही स्पष्ट। आप भी समझ रहे हैं, हम लोग समझ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं, आप तो मीडिया वाले हैं, सभी समझ रहे हैं।